हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नटराज पेंसिल जॉब स्कैम के बारे में। ये क्या है, कैसे किया जा रहा है, क्या ये नटराज पेंसिल द्वारा किया जा रहा है, क्या सच है, पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लोग आप तक पहुंचते कैसे हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जब आप गूगल पे सर्च मारते हैं पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड, अर्न मनी करके मारते हैं, तो इनका कीवर्ड्स इस तरीके से लिखा रहता है एडवर्टीजमेंट में, जिसकी वजह से इनका एड्स रैंक करता है, ऊपर आता है और आप इनके तक पहुंच जाते हैं। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। ये व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू पहुंच सकते हैं आप तक, या किसी ने शेयर किया, इनकी कॉल आप तक आ सकती। कॉल कैसे आ सकती, जब आपने कहीं डेटा दिया हो, जैसे कि आप naukri.com, क्यूकर पे या shine.com, इस तरह के जितने भी जॉब पोर्टल है वहां अपना रिज्यूम दे देते हैं, सीवी दे देते हैं, आप वहां जॉब सर्च करते हैं, वहां आपको दिख सकती है। आप इनका नंबर देख कर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर इनका एडवर्टीजमेंट चल सकता है, किसी वेबसाइट पर पॉपअप आ सकता है। तो बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू ये आप तक पहुंचते हैं। अब जब ये आप तक पहुंचते हैं या आप इनके तक पहुंचते हैं, तो ये क्या बताते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम नटराज पेंसिल पैकिंग जॉब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप नटराज पेंसिल जो कि बहुत पुरानी कंपनी है और ब्रांड है एक तरह से पूरा, तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नटराज पेंसिल ये सब फ्रॉड नहीं कर रही है, ये फ्रॉड कर रहे हैं स्कैमर्स, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी, जेन्यून कंपनी, उनका नाम उठाते हैं, उनका लोगो उठाते हैं, उनकी वेबसाइट उसी तरीके से कॉपी कर देते हैं, उसी तरीके से ये लोग एकदम सेम कर देते हैं कि आप लोग को लगे कि ये लोग वही है, एकदम यकीन दिला देते हैं, जिसके वजह से आप चक्कर में फंस के फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, धोखाधड़ी हो जाती है आपके साथ। तो ये लोग नटराज पेंसिल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, नटराज पेंसिल के द्वारा कोई भी स्कैम नहीं किया जा रहा है, ये स्कैमर्स है जो इनका नाम इस्तेमाल करके आपके साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम नटराज पेंसिल पैकिंग जॉब आपको दे रहे हैं, जो कि आपको घर बैठे पैक करना है, और अगर आप कर देते हैं तो हम उसके बदले आपको पैसा दे देंगे। अब ये सबसे पहले अपना जाल फेंकते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आपको जॉब चाहिए तो हम जॉब देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आईडी बनवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, कुछ फीस देनी पड़ेगी, जैसे कि 650 रुपए, 750 रुपए, इस तरह की ये फीस मांगते हैं आपसे। तो जब आप इसको दे देते हैं, साथ ही कहते हैं कि अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, यानी अपनी डिटेल्स देते जाओ भाई, वन बाई वन। तो जब आप ये देते हैं, उसके बाद आपसे ये कहते हैं कि आप अपना रिसिप्ट दिखाइए जो आपने पैसा का पेमेंट किया है, और आप अपना फोटो भेज दीजिए। जब आप ये भेजते हैं तो ये लोग आपको एक झूठा सा आईडी कार्ड दिखाते हैं कि ये देखिए बन गया है नटराज पेंसिल का। अब ये कहते हैं कि भैया, अब माल आप तक पहुंचना है, घर में आपको पैक करना है, तो आप लोग 2500 रुपए दीजिए, माल घर तक पहुंचे। तो आपको तो यकीन होगा, भैया अब तो माल तैयार है, हमारे घर आने वाला है, तो जब तक पैसा नहीं देंगे तो कैसे वो लोग भेजेंगे। तो आप इस चक्कर में पड़ के 2500 दे देते हैं। अब जब आपने 2500 दिया, उसके बाद इनका ये कहना होता है, ठीक है, आपका जीपीएस ऑन करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा, कुछ जीपीएस प्रॉब्लम है, तो उसको सही करने के लिए अब आप 4100 रुपीज दे दीजिए। तो 4100 रुपीज आपको देना पड़ेगा। अब जब आप उसको भी पेमेंट कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि ठीक है, आपने पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन अब आपको कुछ और पैसे देने पड़ेंगे, रिटर्नशिप के नाम पर या कोई और बहाने के नाम से ये आपसे पैसा लेते हैं, कभी 3000 ले लेते हैं, और कहते हैं कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो ये कहते हैं कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है वो फेल कर गया है, आप फिर से पेमेंट करिए। तो लोग तब भी पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद भी उनके तक जो भी पेंसिल पैक करने का मटेरियल नहीं पहुंचता है, और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पेमेंट करते हैं वन टाइम, मतलब एक बार पेमेंट नहीं करते, वो दो दो करके पेमेंट करते हैं, टुकड़ों में पेमेंट कर देते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, ये कहते हैं कि आपने टुकड़े में क्यों किया है, आप एक बार में कीजिए, मतलब कि अगर हमने 2100 मांगा है तो आप 2100 ही दीजिए, उसको आधा आधा करके मत दीजिए, तो फिर से आप करिए। तो लोग फिर से पेमेंट करते हैं, कहते हैं आप फिर से पेमेंट कीजिए, जो आपने पहले पेमेंट किया है हम उसको लौटा देंगे। तो जब उसको करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपने क्योंकि लेट पेमेंट किया है, अब आप कुछ पेनाल्टी लगेगी लेट पेमेंट के लिए, तो आप उसको भी दीजिए। जब वो लोग उसको भी देते हैं, तो कहते हैं कि अब जो पैसा आपने दिया है उसको अगर वापस ले देना चाहते हैं, तो अब आप 750 रुपए का ट्रांसफर करना पड़ेगा, और लोग उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। अब बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत पेमेंट करने के बाद ये पता लग जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा है कि हमको नहीं करना, हमको कुछ पेमेंट नहीं करना है, आप ऐसा करिए रिफंड कर दीजिए। तो
तो ये लोग क्या कहते हैं कि मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूं, उसको स्कैन करिए, एक रुपया भेजिए, उसके बाद मैं रिफंड कर दूंगा। अगर ऐसा कोई कहता है तो आप ना ही स्कैन करिएगा ना ही पैसा भेजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बैंक से पैसे कट सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। और एक और बहाना इनका सुनिए, ये लोग कहते हैं ऐसा है, मतलब डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि आपका आपको फोन करते हैं और कहते हैं आपका जो लोकेशन है वो कट गया है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब उसको सही करने के लिए आपको 4,999 का पेमेंट करना पड़ेगा। मैं यहां खड़ा हूं, आपको लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा है, तो उसके लिए भी आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको उसके उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं यार डिलीवरी बॉय बगल में है, क्यों चलो पेमेंट कर देते हैं पेमेंट। उसके बाद ये कहते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन फेल कर गया है, आप फिर से पेमेंट करिए। अब लोग समझ जाते हैं कि भैया ये तो फ्रॉड है, कहते हैं हम नहीं करेंगे। तो तब ये धमकी देने लगते हैं कि ऐसा है भैया, आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अब मैं आपके ऊपर केस करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये होता है, इस तरीका से ये लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीका से फ्रॉड चल रहा है आजकल, एकदम से जॉब की जो कमी हुई है उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। कोरोना में इन लोगों ने बहुत फायदा उठाया और ये अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह का अगर कोई भी आपसे नटराज पेंसिल पैकिंग जॉब दे और पैसा मांगे तो वो फ्रॉड है, आपको वहां नहीं जाना है। और आप साइबर पोर्टल भी कंप्लेन करें, हमने उसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे और लोग जान सकें कि क्या क्या हो रहा है जॉब के नाम पे, लोन के नाम पे और अर्निंग एप्स के नाम पे क्या क्या हो रहा है। लोगों को जागरूकता फैलाएं इस वीडियो को शेयर करके, और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।